चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा थाना पुलिस ने शुक्रवार को हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप में गेहूं की आड़ में परिवहन किया जा रहा 3 क्विंटल 28 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पिकअप की एस्कॉर्ट करते एक वेन्यू कार को भी जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की धर पकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को हाईवे पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान हाईवे रोड अहिरपुरा के यहाँ नीमच की ओर एक वेन्यू कार है, जिसको रोककर पूछताछ कर रहे थे कि कार के पीछे एक पिकअप है, जिसके चालक उसके साथी को कार चालक द्वारा भागने का इशारा किया। हरकत संदिग्ध होने से पिकअप को रोककर तलाशी ली तो गेहूं के कट्टों के नीचे छिपाए हुए प्लास्टिक के 16 कट्टों में 3 क्विंटल 28 किलो 900 ग्राम डोडा चूरा मिला। अवैध डोडा चूरा पिकअप व वेन्यू कार को जब्त कर मौके से कार चालक जोधपुर जिले के दवा थाना जवर निवासी बाबूराम पटेल, पिकअप चालक केकड़ी की इंदिरा कॉलोनी निवासी दीपक रेगर और पिकअप में चालक सीट के पास बैठे व्यक्ति बाड़मेर निवासी खेमाराम जाट को गिरफ्तार किया है।